अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मिट्टी की हांडी में चिकन कोरमा। ये बहुत ही लजीज लगता है खाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये देखिए चिकन कोरमा कितना बेहतरीन बनाया। और चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया है 1 kg चिकन, जो मैंने धोकर अच्छी तरह से रख लिया है। ये देखिए, ये मैंने लेग पीस के ऊपर कट लगा लिया है, जो मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। और इधर देखिए, मैंने इधर चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल फाइन चॉप किए हैं प्याज। इन प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, मैंने मिट्टी की हांडी रख दी गैस के ऊपर और इसमें डाल दिया ऑयल गर्म होने के लिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज। अब इन प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, हम चलाते रहेंगे इन्हें लगातार। ये देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगी प्याज। देखिए अच्छी तरह से तल रही हैं। ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। इधर लिया है मैंने जीरा 1 चम्मच, ये कुछ काली मिर्च और ये तेज़पात के पत्ते, बड़ी इलायची और 4-5 लौंग। ये मैंने गैस पर रख दिया है पैन, और इसे गर्म करेंगे और सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे। इन मसालों को, गरम मसालों को रोस्ट करके ना बहुत अच्छी खुशबू आती है कोरमे के अंदर, तो आप भी ज़रूर रोस्ट करके गरम मसाले डालिएगा। ये देखिए, मसाले हो चुके हैं अच्छी तरह से रोस्ट। इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और इन्हें थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। और देखिए, इधर रख ली मैंने मूसली। अब जैसे ही मसाले ठंडे हो जाते हैं तो मैं इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। और देखिए, प्याज मेरी अच्छी तरह से तल चुकी हैं और इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर देखिए, मैंने हांडी में डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे हम अपना चिकन। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से इसमें तलेंगे। ये देखिए, सारा चिकन हांडी में डाल दिया है मैंने और अच्छी तरह से चला देंगे। चिकन को हम 2 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया 1/2 चम्मच नमक। इस टाइम पे नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर नमक अच्छी तरह से चला जाता है, तो इस टाइम पे नमक ज़रूर डालिएगा आप। तो इसे 2 मिनट तक हम कर लेते हैं फ्राई। ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 मिनट के बाद थोड़ा सा चिकन हमारा गल चुका है और इसे हम अब निकाल लेते हैं बर्तन में। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए, हांडी में डाल दिया है मैंने फिर से तेल। आप सरसों के तेल में इसे बनाइएगा। और मैंने इसमें तेल गर्म होते ही डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। और इसी में ऐड कर देंगे हम अपने कुछ सूखे मसाले। ये लिए मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और नमक आप थोड़ा कम डालिएगा इस टाइम पर, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला है चिकन के अंदर, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक और मिर्च। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है। ये देखिए, थोड़ी 2 मिनट के मिल लिए मैंने फिर से इन्हें भून लिया है मसाले को। ये देखिए, मसाला जैसे ही भुन जाता है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया दही। दही आप अपने चिकन के हिसाब से डालिएगा और इसे भी अच्छी तरह से हम बना लेंगे मसालों के अंदर। और देखिए, जो मैंने तली हुई प्याज रखी थी उन्हें हाथों से मैंने कर लिया है क्रश, इन्हें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, सारी प्याज इसमें डाल दी हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। और जो मसाला हमने रोस्ट किया था गरम मसाला, वो भी मैंने कूट लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है।
अब इन सभी को हम अच्छी तरह से ढककर पकाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हुआ है। देखिए सारा ऑयल साइड में आ चुका है और हमारे मसाले में देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा भुन चुका है ये। और इसी टाइम पर हम ऐड कर देंगे अपना चिकन जो हमने उबाल के रखा हुआ था, तो हम इसी के अंदर डाल देंगे सारा। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और अच्छी तरह से चलाएंगे इसे। और इसे हम ढक देंगे, अब ढककर पकाएंगे इसे हम। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट बाद देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। इसे फिर से अच्छी तरह से हम चला देंगे। देखिए बिना पानी डाले इसमें देखिए कैसे कितना पानी आ चुका है। ये लगभग हमारा चिकन पक चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ढककर। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने फिर आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया चिकन का। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसी में मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे ना इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट कोरमा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने इसको नान के साथ सर्व किया है। आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, आप किसी भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है चिकन कोरमा। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। Oh.